माय चैनल लखनऊ का नवाबी जायका। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं छोले चना, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम काबुली चने लिए हैं, व्हाइट वाले जो होते हैं इस तरीके के। ये देखिए, इसे मैंने रात भर भिगा के रख दिया था, ओवरनाइट इसे सोक करना है। इसे हम डाल देते हैं कुकर में अपने। और हम इसमें डालेंगे नमक, हमें छोलों को उबालना है इसलिए इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि हमारे छोले भी नमकीन हो जाएं अच्छे से, नमक का टेस्ट इसमें आ जाए। और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 छोटे छोटे कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं, सॉरी तेज पत्ते। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, ये देखिए। 3 लौंग लिए हैं मैंने। इसमें हम डाल देते हैं 3 हरी इलायची, थोड़ा सा हम इसमें 2-3 पिंच खाने वाला सोडा डालेंगे, मीठा सोडा जो होता है वो हम डाल देंगे। इससे हमारे छोले बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरीके से गल जाएंगे। बस हमने ये सारी चीजें डालना है, लौंग और हरी इलायची और तेज पत्ता जो हमने इसमें डाला है खड़ा खड़ा, इसे उबालने के बाद में हम उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम बघार में डालते हैं तो वो खाने में मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। इससे मैं बॉईल करने के टाइम डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे इस टाइम स्किप कर सकते हैं और बघार में डाल सकते हैं। चलिए अब इसमें डाल देंगे पानी, इतना पानी हमें डालना है कि हमारे छोले अच्छी तरीके से भीग जाएं और अच्छी तरीके से उबल जाएं। देखिए, चलिए हम इसे 6 से 7 सीटी लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, हमें जब तक के हमारे छोले उबल रहे हैं जब तक के हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। और मैंने सूखा वाला नारियल लिया है, ये देखिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा है ये, बहुत ज्यादा नहीं लेना है हमें, बस हाफ कटोरी ले लें आप। और 10-12 मैंने कलियां लहसुन की ली है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे इस तरीके से काट लिया है। इन्हें हम एक फाइन पेस्ट की तरह पीस लेंगे अच्छी तरीके से। और वहीं पे मैंने लिया है 3 टमाटर मीडियम साइज के, इसे भी हमें बारीक प्यूरी बनाना है, इसका पेस्ट बनाना है। चलिए पीस देते हैं इसे। मसालों को मैंने पीस लिया है, अब हमें अपने छोले का मसाला भूनना है। तो 100 ग्राम मैंने तेल को गरम कर लिया है अच्छी तरीके से, मैंने राई का तेल लिया है, आप जो तेल खाते हैं आप वो ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच से ज्यादा थोड़ा सा जीरा, देसी जीरा हमारा क्रैकल होता है, फूट जाता है अच्छी तरीके से। हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज का, और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नारियल का जो हमने पीस के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। चला देंगे इसे अच्छी तरीके से। तेल गरम करके मैंने फ्लेम लो रखा हुआ था, मैं फ्लेम को फास्ट कर दे रही हूँ। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हमने नमक छोले उबालने में भी डाला था तो नमक आप एहतियात से डालें। 1/2 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। 1 चम्मच हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आप यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। सारी चीजों को हम चला देंगे अच्छी तरीके से। दो तीन मिनट हम ये मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाला हमने 3 मिनट भून लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, इसे मिला देते हैं अच्छी तरीके से। मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है हमें, हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, जो जार में हमने मसाला पीसा है उसी को खंगाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा, हम 1/2 कप के बराबर पानी डाल ले इसमें, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। चला देते हैं सारी चीजों को।
अब हम इन्हें 7 से 8 मिनट तक के अच्छी तरीके से भूनेंगे। गैस का फ्लेम मैं मीडियम करके इसे ढक दे रही हूँ। इसे हम 2-2 मिनट पे चेक करते रहेंगे। ऐसे करके हमें 7 से 8 मिनट तक के मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है। गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर दे रही हूँ। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। मसाले से तेल एकदम अलग हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे छोले। छोलों को मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। देखिए ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं। डाल देते हैं हम इसमें अपने छोले। डाल देंगे हम इसमें छोले और इसमें हमने जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी हम इसमें साथ में डाल देंगे। चला देते हैं इसे। अब आप यहाँ पे इसे जितना ठीक रखना चाहते हैं और जितना इसे पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें आप पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे हमें अभी फिर पकाना है 5 से 7-8 मिनट तक के, ताकि इसमें अच्छा सा एकदम छोलों के साथ में मसाले अच्छी तरीके से मिल जाएं। इसमें हम डालेंगे एवरेस्ट का छोले मसाला 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का छोले मसाला यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। एकदम जरा सा हमें डालना है। बहुत ज्यादा गरम मसाले का फ्लेवर छोले में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं जरा सा डाल रही हूँ 3-4 पिंच के बराबर, एकदम हल्का सा। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी भी डाल रही हूँ। इसे हम लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। देखिए छोले हमारे हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं। इसे मिला देते हैं अच्छी तरीके से। कितने अच्छे, कितने बढ़िया छोले हमारे बने हैं। निकाल लेते हैं बाउल में। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। हमारे टेस्टी से छोले बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे भटूरे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल लखनऊ का नवाबी जायका को जरूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखियेगा। अल्लाह हाफिज़।